हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में बात करूंगा होम्योपैथी और सर्जिकल डिजीज की कि जिन बीमारियों का ऑपरेशन होता है क्या वो होम्योपैथी से ठीक हो जाती हैं या फिर नहीं होती हैं। यहाँ पे हर डॉक्टर्स की अपनी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है। यहाँ पे अगर कोई मेरा वीडियो होम्योपैथी वाले डॉक्टर्स देख रहे हैं उनकी अपनी अलग ओपिनियन हो सकती है। कोई MBBS MS जो सर्जन है वो वीडियो देख रहे हैं उनकी ओपिनियन अलग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत जनरल चीजें आपको बताऊंगा, बहुत कॉमन सी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ जो कि लगभग 12 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि किन किन चीजों को आपको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है, किन चीजों पर आपने विशेष ध्यान देना है। मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं होम्योपैथी से ही मैं आपको बोल दूँ कि आपकी बॉडी के अंदर जो इतना बड़ा ट्यूमर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, होम्योपैथी के अंदर इतनी पावर है। देखिए, डॉक्टर हैनीमैन ने जिन्होंने ये होम्योपैथी बनाई है उन्होंने भी लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। इवन डॉक्टर कैंट ने भी होम्योपैथी की लिमिटेशंस के भी बारे में बताया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज ए जनरली जो आज के समय बीमारियां चल रही हैं क्या वो सर्जिकल ठीक हो सकती हैं, बीमारी कौन सी बीमारियां नहीं ठीक हो सकती हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो बीमारी आती है आज के समय हम देखते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड और PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये दोनों फीमेल्स की बीमारी है। आम भाषा में हम बताते हैं कि अगर किसी महिला को यूट्राइन फाइब्रॉइड हुआ है कि बच्चेदानी में गांठ आ गई है और उसमें क्या अब हमें करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो तीन सी कंडीशंस सामने आती है जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं कि पेशेंट की एज अभी केवल 20 साल है और उसके अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड है, वो अभी अनमैरिड है। ठीक है, पहला केस ये आता है। सेकेंड केस ये आता है कि पेशेंट मैरिड है बट उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड है और बच्चे नहीं है। थर्ड केस ये आता है कि उसके बच्चे हैं और एज उसकी 40+ में हो गई है और उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड है। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के केस आते हैं। जो व्यक्ति है, एक आता है डिजीज की स्टेट जो है, एक कंडीशन में यूट्राइन फाइब्रॉइड का जो साइज है काफी छोटा है कि केवल वो 5 mm या 10 mm का है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो 5 cm का, मतलब 50 mm के लगभग का है वो, मतलब काफी उसका साइज बढ़ चुका है और पेशेंट के अंदर एक्सेस में सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं। सिम्टम्स इसमें पेशेंट के अंदर, महिला के अंदर क्या सिम्टम मिलते हैं कि उसको बहुत ज्यादा परफ्यूज मेंस्ट्रुएशन हो रही है, बहुत ज्यादा उसको ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि जो केस आप हैंडल कर सकते हैं या जो होम्योपैथी से ठीक हो सकता है हमें उसी को ही लेना चाहिए। एक पेशेंट मेरे पास आई, एक महिला जिनकी एज लगभग 55 थी और उनका हीमोग्लोबिन लगभग 5 था और उनको बहुत लंबे समय से एक्सेस में फ्लो हो रहा था। उनकी रिपोर्ट्स मैंने देखी, बहुत सारी रिपोर्ट्स उनके पास थी, यूट्राइन फाइब्रॉइड उनका धीरे धीरे काफी बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में मैंने उनको बोला कि कोई नहीं, आप जाके अपनी सर्जरी करा लें, वो बेटर ऑप्शन है। होम्योपैथी से घट भी सकता है, नहीं भी घट सकता है, और आपका जो हीमोग्लोबिन है ऐसी वाली स्टेज है। तो बहुत लंबे समय से उनको प्रॉब्लम चल रही थी, एक्सेस में फ्लो हो रहा था उनका बॉडी का, जो काफी ब्लड निकल चुका था और जो उनका ट्यूमर का साइज है वो काफी बड़ा हो चुका था यूट्राइन, और वो मल्टीपल थे, बहुत सारे थे, वो सिंगल भी नहीं थे। तो ऐसे केस में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि पेशेंट के अंदर और भी समस्याएं हो सकती हैं। केस आता है जो फीमेल पेशेंट है जिसकी एज अभी 20 या 22 है, उसके अंदर वो छोटी सी गांठ मिल रही है कि केवल 5 mm या 10 mm की, तो वहां पे हम मेडिसिन देंगे तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगी। जो मैंने एक बीच में केस के बारे में आपको बताया कि पेशेंट जो है मैरिड है, साइज ट्यूमर का ज्यादा है, बच्चे नहीं है, तो ऐसे केस में डॉक्टर नहीं करती है कि उसके ट्यूमर को ही रिमूव करते हैं, उसकी बच्चेदानी को रिमूव नहीं करते हैं। ऐसे केस में आप होम्योपैथी मेडिसिन लेके देख सकते हैं, 1 से 2 महीने लेके देखिए। ऐसा नहीं करना कि 6-6 महीने होम्योपैथी मेडिसिन खा ली फिर आप बोलें कि होम्योपैथी काम नहीं करती, वो अपनी लिमिट के अकॉर्डिंगली काम करती है, जो उसकी लिमिटेशंस हैं वो उसी के हिसाब से काम करती है। कोई आपका 100% सर्जिकल केस है तो आप वहां पे जाके सर्जरी करवा लीजिए। बाकी PCOD जो एक बीमारी है ये बहुत इजिली होम्योपैथी से लगभग 90% तक ये ठीक हो जाती है। कहीं पर अगर बहुत ज्यादा बड़ी सिस्ट हो गई तो वो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होती है, वो एक सर्जिकल केस बन जाता है। राइट, ये फीमेल्स के अंदर आजकल 15 साल की बच्चियों के अंदर से लेके और जो है 30-35 साल तक की एज में PCOD बहुत कॉमनली देखने को आज के समय मिलती है। राइट, तो PCOD का अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। ओके दोस्तों, महिलाओं की कहानी। सेकंड आती है किडनी डिजीज। किडनी डिजीज में हम बात करते हैं स्टोन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे भी दो चीजें आती है कि एक तो क्या स्टोन का साइज है और वो कहाँ पे है। सपोज कीजिए कोई स्टोन आपकी 20-25 mm की हो गई है, बहुत लंबे समय से है, आपने सारी दवाइयां खा ली हैं, होम्योपैथी की बहुत सारी दवाइयां खा ली हैं, गारंटी वाली मेडिसिन खा ली हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन खा ली हैं, वो आपके टस से मस नहीं हो रही और वो बढ़ने पे ही है, तो आपको ऐसे केस में जाके सर्जरी करवा लेनी चाहिए। मैं जानता हूँ सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर आपको
स्टोन का आपको ऑपरेशन कराना पड़ा तो वहां पे चांसेस होते हैं कि स्टोन आपकी दोबारा बन सकती है, लेकिन फिर भी अगर आपको किडनी अपनी बचानी है, किडनी डैमेज ना हो, उसके जो स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो, खराब ना हो, उसके फंक्शंस ना बिगड़े, तो आपको इस स्थिति में जाके सर्जरी करवा लेनी चाहिए, और जिससे मेडिसिन और जिससे दोबारा स्टोन्स ना बने, स्टोन फॉर्मेशन ना हो, उसी के अकॉर्डिंगली आपको बाद में मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ये है, अगर छोटी स्टोन है तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट जरूर लीजिए, और इमरजेंसी भी मैटर करती है। इस तरह के केस में कोई पेशेंट है जिसका यूरिन बिल्कुल रुक चुका है और उसको स्टोन फंसी हुई है, तो वहां पे भी आप जाके तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होइए, क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए आपको 24 घंटे यूरिन नहीं आया तो वो बैक फ्लो होकर आपकी किडनीज में जाएगा और आपकी किडनी खराब हो सकती है। नंबर थर्ड हम सिस्टम की बात करते हैं, जहाँ पे बात आती है पाइल्स की, फिस्टुला की या फिर फिशर की। इसमें डॉक्टर्स जो है, अगर आप किसी बंगाली डॉक्टर के पास जाएंगे, अमूमन पेशेंट चले जाते हैं डॉक्टर बंगाली के पास, वो उनकी सर्जरी कर देते हैं, वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद जो है फिर से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे जितने भी पेशेंट हैं मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आप पहले होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लीजिए, 2 से 3 महीने लीजिए, देखिए क्या स्थिति है आपकी। 2 से 3 महीने लेंगे तो लगभग 90% तक पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं। जो पेशेंट होते हैं जो जाके तुरंत से सर्जरी करवा लेते हैं, फिर वो सर्जरी के ही जाल में घूमते रहते हैं। एक जाने वाले पेशेंट, उन्होंने अपनी एक सर्जरी करा ली, फिर दोबारा उन्होंने सर्जरी करवा ली, अब तीसरी बार वो मेरे पास आए। तो स्टार्टिंग में मेरे कहने का मतलब ये कि स्टार्टिंग में आप पहले ट्रीटमेंट ले लीजिए, सर्जरी का जो ऑप्शन है सबसे लास्ट में आप उसको रखिए, वो सबसे बेहतर रहेगा। कि अगर आपको किसी भी दवाई से आराम नहीं हुआ है तब जाके आप सर्जरी की तरफ जाइए। बाकी इस तरह के केस में जहाँ पे आपको फिशर्स हैं, पाइल्स हैं या फिस्टुला है, इसमें आप होम्योपैथी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए, बढ़िया काम करती है। लगभग 2 से 3 महीने का ट्रीटमेंट आप जरूर लीजिए। एक बीमारी आती है नेजल पॉलिप और टॉन्सिलाइटिस, ये दोनों बच्चों के अंदर ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो इसमें होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। इसमें आप पहले बच्चों को होम्योपैथी दवाइयाँ खिलाइए, अगर टॉन्सिल्स उसके बिल्कुल मिलने वाले हैं, गले के अंदर मिल गए हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम है, चॉकिंग होने वाली है, साथ में नाक के पॉलिप बढ़े हुए हैं, चॉकिंग होने वाली है, तो इसमें आप होम्योपैथी ट्राई मत कीजिए, ये सर्जिकल केस है, आप जाके इसमें सर्जरी करवा सकते हैं। बाद में होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए जिससे दोबारा उसको ये फॉर्मेशन ना हो। राइट, अगर कम है तो आप जाके होम्योपैथी ट्रीटमेंट लीजिए, बहुत बढ़िया आपको ट्रीटमेंट इसका मिल जाएगा। एक कंडीशन आती है महिलाओं में फाइब्रो एडिनोमा, मतलब कि छाती में गांठ हो जाना, ब्रेस्ट में गांठ हो जाना। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, इसमें होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, ये बिना सर्जरी के भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। बस आपको ट्रस्ट ये रखना है कि आप कम से कम 2 से 3 महीने दवाइयाँ खानी होंगी, चाहे उसका साइज बड़ा है, छोटा है, पेनफुल है, घूमने वाला है, नॉन पेनफुल है, हार्ड है, सॉफ्ट है, कुछ मैटर नहीं करता। होम्योपैथी अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से लेंगे तो वो आपको जरूर ठीक करेंगे। तो ये कुछ सर्जिकल केस थे जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, कहाँ पे आपको क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है। एक आता है कि हार्ट के अंदर कोई समस्या चल रही है आपकी, आपने एंजियोग्राफी कराई है, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी हुई है, और देखिए हार्ट के मामले में हमेशा बोलता हूँ ये बहुत क्रिटिकल और इमरजेंसी केसेस होते हैं, तो किसी अच्छे डॉक्टर को आप दिखाइए, जो भी होम्योपैथी डॉक्टर है वो आपकी अकॉर्डिंगली जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, जो आपकी एंजियोग्राफी है, जो आपके सिम्टम्स हैं, कवर होगी या नहीं होगी, साथ में एलोपैथिक चलानी है आपको या नहीं चलानी है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ओबेसिटी है या फिर नहीं है, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट चालू रखना है और अकेले चालू रखना है, या फिर साथ में एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना है, या फिर जाके आपको कोई छल्ला डलवाना है, सर्जरी करवानी है, या फिर एंजियोप्लास्टी करानी है। ये सारी चीजें आपको डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देख के, आपके सिम्टम्स देख के, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको देख के ही निर्धारित करते हैं। राइट, तो ये था दोस्तों सर्जिकल डिजीज के बारे में। कुछ सर्जिकल डिजीज जैसे लाइपोमा होती है, तो जिन दोस्तों को डर लगता है, मैंने एक वीडियो में बताया था, जिनको डर लगता है ज्यादा कि जी हमें चर्बी की गांठ हो गई है, कैंसर ना बन जाए, तो वो लोग जाके अपना जो है सर्जरी करवा लीजिए। बाकी लाइपोमा का आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अगर छोटा लाइपोमा है, छोटी छोटी गांठ हो गई है, चर्बी की गांठ बनी है, तो कंटिन्यू अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे 6 महीने, तब जाके आपको थोड़े रिलीफ उससे होम्योपैथी दवाइयों से मिल सकते हैं। और बहुत सारे हैं, तो वहां पे देखिए बहुत सारी दवाइयां हैं लेकिन वो अच्छे से काम नहीं करती। तो बस उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके आज के समय में, क्योंकि किसी भी पैथी पे सभी लोग आंख बंद करके विश्वास नहीं करते हैं। जब वो उस पैथी के साथ जुड़ते हैं तभी जाके उनको समझ में आता है कि हाँ भाई, होम्योपैथी के अंदर ये पावर है और होम्योपैथी की ये लिमिटेशन है। राइट, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। जो व्यक्ति होम्योपैथी मेडिसिन खाते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।